Hello and welcome back to my channel. This is Dr. Lata and I welcome you all to my channel. Hope करती हूँ आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी और आप सबने बहुत enjoy किया होगा. Friends, आज के video में मैं आपके साथ follow-up share करूँगी जो कि मैंने कल आपको तुलसी plant के care tips के बारे में एक video upload करके उसमें बताया था कि मैं जो भी treatment कर रही हूँ इसका result मैं आपसे share करूँगी. तो आज का वीडियो में मैं आपसे यही दिखाने वाली हूँ कि हमारा प्लांट कैसा है. 10 बेसिक विंटर केयर टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करे थे अपनी डाइंग तुलसी प्लांट को बचाने के लिए और रिज़ल्ट आपके सामने है. आप देख पा रहे होंगे हमारा प्लांट बच गया, सभी के सभी लीव्स अब स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, पूरा का पूरा प्लांट हेल्दी लग रहा है. जैसी इसकी कल हालत थी आज वैसी नहीं है. थोड़े से कहीं कहीं आप देख रहे होंगे पत्ते जो हैं श्रिंक हो रहे हैं, बट वो सर्दी की वजह से हैं. फ्रेंड्स, अगर हम शुरू में ही अलर्ट हो जाते हैं और अपने मरने वाले तुलसी प्लांट का इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जैसा कि कल मैंने भी करा, तो हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं. ज़रा सा भी डिले होने पर हमारा प्लांट बहुत जल्दी देखते देखते हमारी आँखों के आगे ही मर जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं. तो होप करती हूँ ये वाला विंटर केयर टिप्स का वीडियो जो मैंने आपके लिए दो बनाए हैं आपके लिए यूज़फुल होंगे. हाँ, आप कहेंगे कि पत्ते तो अभी भी येलो हैं तो मैं कैसे कह रही हूँ कि प्लांट मेरा हेल्दी है. जी हाँ फ्रेंड्स, ये पत्ते जो येलो हैं ये मैग्नीशियम और बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हैं. इस समय आप जो देख रहे हैं ये मेरा कल का प्लांट का वीडियो क्लिप है और आप उसको देखें, ये बीमार सा नज़र आ रहा है. प्लांट में डीजनरेशन शुरू हो गया था. दरअसल इसके रूट्स में फंगल इन्फेक्शन था या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है. काफ़ी सारे पत्ते मुरझाना शुरू हो गए थे, काफ़ी सारे लीव्स ब्लैक हो गए थे, वो मैंने हटा दिए थे. कुछ स्टेम्स भी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई थी. आप वो वीडियो देखना चाहें तो मैंने लिंक लगा दिया, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें. और ये जो मंजरी आई हुई थी ये हमने सारी कट करी थी और प्लांट को ट्रीट करने के लिए हमने किचन से दो आइटम्स लिए थे. अभी जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक पेपर का पाउडर और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है कोल्ड के लिए, एंटीसेप्टिक भी होता है. सेकंड जो है वो टर्मरिक पाउडर है. दोनों ही पाउडर्स फ्रेंड्स हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में भी इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें बिगनिंग होता है कॉफ कोल्ड का या कोई इन्फेक्शन हो, तो रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोर थ्रोट हुआ या कुछ भी, तो हम ज़रूर से ये शुरू कर देते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए. सिमिलरली प्लांट्स के लिए भी हम ये इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. और हल्दी तो खासकर से बहुत इफ़ेक्टिव फंगीसाइड है और एंटीबैक्टीरियल भी है. दिवाली की रात को मैंने इस प्लांट के आगे दिया जलाया. अक्सर मैं रोज़ जलाती हूँ तो दिया जलाने से इस प्लांट को वार्मथ भी मिली और उसका रिज़ल्ट है नेक्स्ट डे 5th of November सुबह को मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ. तो दिया मैं वैसे रेगुलरली जलाती हूँ जब विंटर्स शुरू होती हैं, बट कभी कभी हम भूल भी जाते हैं या बिज़ी होते हैं, तो थोड़ा सा वार्मथ प्लांट को चाहिए होता है संध्या के समय. और इसका एक मैंने कॉटन के क्लॉथ का एक कवर भी बनाया हुआ है जो कि मैं सुबह को उतार लेती हूँ ताकि इस प्लांट को धूप लग जाए. और कल तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि प्लांट मर ही जाएगा और फिर फटाफट से इसको सारे काम छोड़ कर के इस पर ध्यान दिया. तो आप ने आज बिगनिंग के उसमें क्लिपिंग्स में देखा है कि प्लांट बेटर है. ये तो मैं आपको कल का ही क्लिप दिखा रही हूँ जबकि ये प्लांट बहुत मुरझाया सा हुआ था. ये देखिए सारे पत्ते आप देख रहे होंगे मुरझाए थे. डेड लीव्स मैंने सभी हटाए थे, ब्लैक लीव्स भी हटाए थे, स्टेम्स भी हटाई थी. अब आपको दिखाती हूँ, मैं दूर से भी देखने से आप समझ पा रहे होंगे कि प्लांट ठीक है, जो भी हमने करना था कर दिया. थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा टर्मरिक इसके प्लांट के ऊपर छिड़क दिया था, मिट्टी में डाल दिया था ताकि यहाँ से स्लो रिलीज़ होता रहे. और सेकंड डोज जो है मिर्च के पाउडर और हल्दी की मैं दूंगी 2 हफ्ते के बाद, ताकि अगर फिर इन्फेक्शन होती है तो वो टाइम टू टाइम ट्रीट होती रहे. अब बात आ जाती है इसके येलो कलरेशन की, उसका भी ट्रीटमेंट मैं भी आपको बताती हूँ. तो तुलसी के प्लांट की हमें एक्स्ट्रा देखभाल इसलिए भी करना पड़ती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी सर्दी शुरू होने वाली है, हमें कॉफ कोल्ड होगा, फिर हमें घबराहट होगी कि ये कोरोना तो नहीं है. तो क्यों ना हम इस प्लांट को रेगुलर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और सर्दी खांसी से बचें. मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के लिए जनरली हम प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फोरस के कॉम्बिनेशन टैबलेट.
ये अभी एक्सपायर हो चुकी हैं और मैंने ये वाले टैबलेट्स खाना बंद कर दिया है। उसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और सभी लेडीज़ को खाना पड़ती है 35 की एज के बाद, क्योंकि बोन्स हमारे कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इन टैबलेट्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम नहीं हैं। तो मैंने एक नया सब्स्टिट्यूट शुरू करा है जो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत सस्ता है, और मैं अपने पेशेंट्स को भी दे रही हूँ, ख़ास करके उन पेशेंट्स को जो ये महंगी गोलियाँ खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है कि मैं और आपके लिए मेडिकल हेल्थ के लिए कोई और वीडियोस बनाऊं, तो मेरे को बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियोस बना दूंगी, टाइम ज़रूर निकालूंगी। तो ये देखिए, मैंने 3 टैबलेट्स इस रैपर से निकाली और यहीं पे इंसर्ट कर दी हैं। हालांकि एक्सपायर्ड है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन प्लांट्स इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम कार्बोनेट सब हैं, तो है ना, तो प्लांट्स के लिए वो सही हैं, चल जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये प्लांट्स। और बेस्ट तो रहता है कि मैं एप्सम सॉल्ट डाल दें। अभी नर्सरी जाना होगा तो फिर वहाँ से मैं लाऊंगी। और जब हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो भी प्लांट को अच्छी खासी न्यूट्रिशन मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।